नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 17वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुरो ब्रह्मा, गुरुरो विष्णु, गुरुरो देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु का जन्म होना और हिरण्याक्ष का बल और घमंड। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, संतादिकों के चले जाने के बाद भगवान के द्वारपाल जय और विजय अपने हृदय में शाप मुक्त होने की कामना के लिए श्री नारायण जी के आगे खड़े रहे। सर्व अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का हाल सब जान लिया। हे द्वारपालों मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट किया था। मैंने जानबूझ के ही, जो कल के अध्याय में सुनाया था, तुम्हारा ज्ञान नष्ट किया था करके ब्राह्मण द्वारा ऐसा साप दिलवाया। अन्यथा श्री संत कुमार जी के स्वभाव में तो क्रोध था ही नहीं। संत कुमार जी तुम्हें क्षमा करके 3 जन्म बाद तुम्हारे उद्धार का उपाय कह गए हैं, इसलिए तुमको राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय तुम शत्रु भाव से मेरा ध्यान करना, तब मैं सगुण रूप धारण कर तुम्हें मारूंगा और 3 जन्म व्यतीत होने पर तुम्हें पुनः वैकुंठ लोक में बुला लूंगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। इतना कहकर श्री नारायण जी ने जय विजय को वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया। और हे विदुर जी, श्री त्रिभुवन पति की इच्छा से वे 100 वर्षों तक दीति के गर्भ में वास करने के बाद उन दोनों का जन्म हुआ। उस समय जगत में अनेकों तरह के अपशकुन होने लगे। ब्राह्मण और देवता भयभीत होकर कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में जल रही थी वह चली आ रही थी, वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे और कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने दिति के उन दोनों पुत्रों का नाम हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु रखा। हिरण्यक्ष का शरीर कई योजना लंबा और बड़ा चौड़ा था। जब वो दोनों भाई बड़े हुए तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह संपत्ति दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता पिता की इच्छानुसार राज्य करो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरण्यक्ष अपनी शक्ति के अभिमान से में डूबकर हाथ में गदा लेकर अकेला ही घर से निकल गया। वह अपने बल के सामने किसी और को कुछ नहीं समझता था, सबको तुच्छ समझता था, सबको कमजोर समझता था। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जब हिरण्यक्ष ने यह देखा कि तीनों लोग 14 भुवन में कोई ऐसा योद्धा नहीं कि जो मेरा सामना कर सके और मेरे से लड़ाई कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा को तलाश करने के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय रास्ते में अचानक से श्री नारायण जी से भेंट हो गई। तब नारद जी को देखकर उसने प्रणाम किया। इसके बाद हंसते हुए बोला, हे देवर्षि, आप सब जगह जाते आते रहते हो, तो इसलिए आप मुझको ऐसा योद्धा बतलाइए जो मुझसे संग्राम कर सके, जो मुझसे लड़ाई कर सके। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा। यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं आता जो तुमसे लड़ सके। केवल एक श्री नारायण भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। यह सुनकर हिरण्यक्ष ने कहा, हे नारद जी, आप मुझको उन नारायण का ही पता बता दीजिए। हे नारायण जी, मुझे उनका पता बता दीजिए जिससे मैं उसके पास जाकर युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण एवं तपस्वियों के घर में
उनका निवास है, परंतु ब्राह्मण एवं तपस्वियों मेरे द्वारा अनेक दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी प्रकट नहीं होंगे। अब तुम मुझे उनका सम्मुख स्थान बताओ, नहीं तो तुम्हें ही मार डालूंगा। तुम उन्हें उनका सम्मुख स्थान बताओ जहाँ पर वो रहते हैं। तब देवर्षि बोले, हे हिरण्यक्ष, इस समय श्री नारायण 12 स्वरूप धारण कर पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल को गए हैं। यदि तुमको उनसे युद्ध करने की अभिलाषा है तो तुम भी वहीं उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हर हर।